आज कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी द्वितीय सोमवार 28 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। आज की प्रस्तुति विशेष है, अतः अंत तक दर्शन करना न भूलें। नमामि आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो दर्शन आप कर रहे हैं यह दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं और पान घर की एक अनमोल सेवा के हैं। यह अनमोल सेवा साल में 3 बार होती है, जन्माष्टमी, दिवाली और होली से पहले। प्रभु श्री जी को प्रतिदिन परोसे जाने वाले पान के बीड़े में कत्थे के गेंदों की भराई होती है, जो साल भर में 3 बार बनाई जाती है और इसे जमा करके रखा जाता है। लगभग 4 महीने तक कत्थे की यह गोलियां तरोताजा रहती हैं और इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और कृपा करते हैं। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा यह सेवा करते हुए दृश्यमान हैं। दीपोत्सव की परंपराओं की यह भी एक कड़ी है। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी में धनतेरस उत्सव की भावना, सेवा क्रम, परंपराएं और प्रभु के दर्शन करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करें। प्रभु श्री जी के दर्शन करें इससे पहले आज के दिवस की विशेषताओं का अवलोकन कर लेते हैं। विगत दशमी से ही प्रतिदिन प्रभु के सम्मुख उत्थापन उपरांत पुष्प पत्तियों की बाड़ी धरी जाती है, जो शयन उपरांत बड़ी कर दी जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीमस्तक व श्रीकंठ के आवरण बड़े कर छेड़ान के आवरण धराए जाते हैं व श्रीमस्तक पर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। शयन दर्शन में मनी कोठा व डोल तिवारी में हांडी में रोशनी की जाती है, वहीं निज मंदिर में कांच मृदंग में रोशनी की जाती है। शयन पश्चात अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि अरोगाने के लिए थाल में रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त दशमी से ही अनोसर में प्रभु के सम्मुख इत्रदान व चोपड़ा, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि होते हैं, रखे जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का के अनुसार दीपोत्सव के तहत धराए जाने वाले विशिष्ट श्रृंगारों में आज द्वादशी के आपके अर्थात तिलकाय श्री के श्रृंगार धराए गए हैं। ये घर के नियम के श्रृंगार होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पूजन चले री आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और
श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी के सिलमा सितारों के विद्रुम के जाल की जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। ऐसे ही जरदोशी के काम वाला हाशिया पिछवाई पर बना हुआ है। प्रभु के सन्मुख पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। इनमें से गादी और तकिया पर लाल रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी लाल मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र पीली सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा, चौली और कटी पटका धराया गया है। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मध्य का अर्थात घुटनों से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं पन्ना से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हास, त्रवल, कली, कस्तूरी एवं कमलमाला धराई गई हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सुनहरी जरी का चीरा अर्थात जरी की पाग अंगीकार करवाई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों से सुसज्जित सिरपेच धराया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज पन्ना की सीधी चंद्रिका धराई गई है। मोतियों की लोम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित पन्ना के दो जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं।
प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित पन्ना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित पन्ना के और दूसरे स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट प्रतिनिधि का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की बड़ी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिसमें आज प्रभु को रजत की कांच के कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में पूजा विधि गिरिराज की बतावें, राजभोग में गोवर्धन पूजा को आए सकल ग्वाल और मदन गोपाल गोवर्धन पूजत, आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन के समय सरस लीला के 61 से 63 क्रमांक के पद और पोड़वे के पद में आई ब्रजवधु और दीपदान देहटरी कीर्तनों का प्रभु श्रीजी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्रीजी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग भोग आरती दर्शन और शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। विशेष में आज अन्नकूट की बड़ी सेवा सिद्ध की जाती है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अन्नकूट के दिवस प्रभु श्रीजी के सन्मुख भात अर्थात चावल का एक ढेर अर्थात अन्नकूट का शिखर बनाया जाता है। इस शिखर के ऊपर रखे जाने वाले चारों दिशाओं में घी में सेके हुए कसार के चार बड़े गुंजा और मध्य में एक गुंजा चक्र को सिद्ध किया जाता है। चारों दिशाओं के गुंजों पर क्रमशः शंख, चक्र, गदा व पद्म उकेरे हुए होते हैं। बड़ी सेवा में इस सामग्रियों को वल्लभ कुल की बहुजियों एवं बेटीजियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसके बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ भाव हैं, जो अन्नकूट की प्रस्तुति के दौरान आप समझ पाएंगे। शयन के समय श्रीजी में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है, तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रकट किया जाता है। दीप झाड़ पर आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं।
जय श्री कृष्ण। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी में धनतेरस की भावना एवं प्रभु के दर्शन करते हैं। एक और सूचना भी है, धनतेरस के श्रृंगार प्रभु को द्वादशी के दिन धराए जाएंगे, लेकिन सेवा भावना सभी धनतेरस की है। धनतेरस की भावना से दर्शन करें, सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सभी को धनतेरस, धनवंतरी तेरस और धेनु तेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी में दीपोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आइए इसके संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, सुनिए। एक विलक्षण तथ्य है कि हमारी सनातन संस्कृति में केवल धन अर्थात लक्ष्मी ही नहीं, स्वास्थ्य अर्थात आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ और औषधियाँ भी हमारा धन है, जबकि पुष्टि प्रणाली का तो इससे भी आगे है। यहाँ गौधन को धन माना गया है। यही कारण है कि आज से ब्रजवासी गौधन का श्रृंगार करते हैं, दीपदान किया जाता है, क्योंकि ब्रजवासियों का धन भी गौधन ही है। यज्ञ की प्रधान देवता गौ है और आज से 4 दिन तक दीपदान की महत्ता धन्वंतरी प्रादुर्भाव दिन सभी मानते हैं। परमानंद दास जी की वाणी सुनिए, श्याम खिरक के द्वार करावत गायन को श्रृंगार, नाना भांत सिंह मंडित किए ग्रीवा मेले हार, घटा कंठ मोतीन की पटिया पीठन को आछे ओछार, किंकनी नुपुर चरण बिराजत बाजत चलत सुधार, परमानंद प्रभु धेनु खिलावत पहरावत सब ग्वार। दूसरा एक भाव है कि यशोदा जी बालकों को पहनाने के लिए आभूषण धोती हैं, इसीलिए धन धोवत ब्रजरानी आदि पदों का गान होता है। धनतेरस से ही दीपदान का भी बहुत महत्व बताया गया है। हमारे पुराण कहते हैं, कार्तिकेय कृष्ण पक्षे तु त्रयोदशाम निशा मुखे यमदीप बहिर्दधात अपमृत्यु विनश्यति मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालस्यामलया सह त्रयोदश्याम दीपदाने सूर्यजा प्रियतामिति। ये दीपदान की महत्ता को प्रदर्शित करता श्लोक है, जो अपमृत्यु को भी निरर्थक कर देता है। समग्र पुष्टि सृष्टि में यह दीपदान किया जाता है, अर्थात दीप रखे जाते हैं, वहीं हटड़ी भी रखी जाती है। आज से अन्नकूट महायज्ञ के आरंभ में मुक्त हस्त से अन्नदान भी किया जाता है कि कोई भी निर्मुख न जाए। इस भावना से श्री जी की प्रणालिका में खिचड़ी बांटी जाती है। इसके लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं और अस्थाई रसोई का संयोजन भी किया जाता है। यह खिचड़ी एवं थूली बनाकर लाला जी को भोग रखा जाता है। यह अन्नकूट महायज्ञ में सर्वप्रथम अन्नदान है। एक भाव के तहत राधा मन अति मोद बढ़ो है, मन मोहन धन पाई भाव भी है, जिसमें श्री स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानकर धन के रूप में प्राप्त किया हुआ है, ऐसा परिलक्षित होता है। आइए अब श्री जी में सेवा क्रम देख लेते हैं। आज की सेवा ललिता जी के भाव की है। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सोने के आते हैं। आज दिन भर प्रभु को भोग स्वर्ण के पात्रों में धरे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अन्नकूट की सामग्रियां भी प्रभु को इन दिनों विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। इस श्रृंखला में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में केसर युक्त चंद्रकला अरोगाई जाती है। उत्सव होने के कारण दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी भी अरोगाई जाती है, तो राजभोग में अन्न सखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। अदकी में गेहूं के रवा की खीर अरोगाई जाती है। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी अर्थात घी में तले नमक युक्त सूखे मेवे व बीज अरोगाए जाते हैं।
वहीं श्री जी की सायंकालीन सेवा में शयन के समय मणिकोठा में हांडी में रोशनी की जाती है, दीपक का पाठ साजा जाता है और रंगोली मांडी जाती है। निज मंदिर में आज रोशनी का झाड़ रखा जाता है, डोल तिवारी में आज रोशनी नहीं की जाती है। आज से श्री जी को प्रतिदिन उत्थापन के फल भोग में गन्ना के टूक अर्थात छिले हुए गन्ना के टुकड़े अरोगाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। यह सामग्री प्रतिदिन आगामी डोलोत्सव तक प्रभु को अरोगाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। शयन के समय प्रभु बंगले में अर्थात हटड़ी में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। वहीं धनतेरस के दिन ही शयन के उपरांत नाथद्वारा के आसपास के विभिन्न ग्रामों से ग्रामीण लोग अपने खेतों से और श्री जी के बगीचों से ठाकुर जी को अन्नकूट पर अरोगाने के लिए बैलगाड़ियों तथा ट्रैक्टर आदि में भरकर पालक की भाजी लाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि दशमी से ही अनवसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व एक चोपड़ा रखा जाता है जिसमें इलायची जायफल जावंत्री सुपारी और लौंग आदि रखे हुए होते हैं। यह है श्री जी की अद्भुत वैज्ञानिक और प्राकृतिक सेवा प्रणाली का, जिसकी सारी परंपराएं आज भी श्री जी में पूर्णतः विधि विधान से निभाई जा रही हैं। तो आपको भी श्री जी कृपा से प्रचुर धन एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ पुनः कोटि कोटि बधाइयां। यह थी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का में धनतेरस की भावना। हम कल आपको रूप चतुर्दशी एवं दीपावली की भावना से अवगत कराने का प्रयास करेंगे तथा अगले दिन अन्नकूट के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ, क्योंकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी एवं दीपावली उत्सव साथ में है। अतः प्रभु श्री जी को कार्तिक कृष्ण द्वादशी को धनतेरस के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। आइए दर्शन करें। आते हैं। धनतेरस की भावना के तहत साज सेवा में श्री जी में आज लाल रंग की मखमल के ऊपर सुनहरी सिल्मा सितारों के साथ कशीदे के जरदोशी के काम वाली भारी पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज हरे रंग के सलीदार जरी की सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं पटका धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी को धराए जाने वाले सभी आभरण आज मिलवा हीरा मोती, जिनमें प्रमुखतया मानक पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के हैं, धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हरे रंग की सलीदार जरी के चीरा ने हम जरी की पाग भी कह सकते हैं, उसके ऊपर अनारदाना का पट्टीदार सिर पेच अर्थात दोनों ओर मोती की माला से सुसज्जित सिर पेच, पन्ना की लूम, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के चार कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में टोडर धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पिठिका के ऊपर स्वर्ण का हीरा जड़ित चोखटा धराया जाता है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, पन्ना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सवत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पटहरा व गोटी शतरंज की सोने की आती है। वहीं प्रभु को आज आरसी लाल मखमल की दिखाई जाती है।
राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, राजभोग में गोवर्धन पूजा कर गोविंद, आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन में दीपदान दे हटरी बैठे, ओढ़वे के पद में रुचिर रुचिर सेज बनाई, कीर्तनों का गान किया जाता है। आइए देवी शंखनाथ के संकलन से पूर्व के वर्षों के धनतेरस के कुछ दृश्यों का अवलोकन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, प्रभु श्री जी की गौशाला में गौ माताओं को मेहंदी लगाने की परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन धनतेरस के दिन से प्रभु श्री जी की गौ माताओं को अन्य श्रृंगारों की सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें गौ माताओं के कंठहार, सींगों को रंगना, उन पर श्रृंगार करना, घंटी बांधना आदि अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं जो धनतेरस के दिन से प्रारंभ हो जाती हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं वह गत वर्षों के संकलन से हैं। स्थल प्रभु श्री विट्ठल नाथ जी की गौशाला है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल मत गयंद देख जिया लचित, मत गयंद देख जिया लचित, तिरक मंद गति सा ले गा
कबहू सुनी न कहा
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।